नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर और मैं बलविंदर सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, भर्ती होंगे 1063 पुलिस कांस्टेबल और 200 MBBS डॉक्टर। हिमाचल में आंदोलन का दिन, ट्रेड यूनियन सड़कों पर, न्यूनतम वेतन 18,000 करने पर अड़े। हमीरपुर, शिमला और पालमपुर में बरसे बिजली गर्मी, बिजली संशोधन विधेयक 2018 का विरोध। हेरिटेज ट्रैक के सुहाने सफर की सुरक्षा पर सवाल, कालका से शिमला जा रही ट्रेन के इंजन में लगी आग, इंतजामों की पोल खुली। नेरवा और स्पीलो में बर्फ पर फिसली गाड़ियां, 3 की मौत, 4 जख्मी। और हिमाचल 297 पर ऑल आउट, केरल के 5 विकेट पर 219 रन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के युवाओं को नए साल का तोहफा दे दिया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल ने नौकरियों का पिटारा खोलते हुए 1063 पुलिस कांस्टेबल भर्ती करने को मंजूरी दे दी है। इसमें 213 पद लेडी कांस्टेबल के होंगे। सभी पद रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे। इसी तरह MBBS डॉक्टरों के अनुबंध आधार पर 200 पद भरे जाएंगे। स्कूलों में करुणा मूलक आधार पर जलवाहक तैनात किए जाएंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान बंगाणा कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी और संस्कृत कॉलेज नाहन का नाम बदलकर गोरक्षनाथ किया गया। बैठक के दौरान उज्ज्वला और गृहिणी योजना में पूरे प्रदेश को शामिल किया गया, जिससे कि अब हर घर में गैस पर ही खाना पकेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ओलंपिक खेलों में देश को रजत पदक दिलाने वाले हमीरपुर के शूटर विजय कुमार को पुलिस विभाग में DSP बनाया है। पुरानी पेंशन नीति लागू करनी होगी। कैंडिडेट यूनियन मोर्चा जिंदाबाद। हिमाचल में मंगलवार का दिन आंदोलन के नाम रहा। मजदूरों का न्यूनतम वेतन 18,000 करने की मांग पर तमाम ट्रेड यूनियन सड़क पर उतर आए। शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी से लेकर कांगड़ा, चंबा तक जोरदार प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विभिन्न यूनियनों जैसे आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स, मनरेगा, सफाई कर्मचारी, हाइड्रो प्रोजेक्ट मजदूर, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश बिजली मजदूर एकता यूनियन, हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने प्रदेश भर में हल्ला बोला। C2 एटक, इंटक आदि संगठनों ने मांग उठाई कि मनरेगा में काम 120 दिन तक मिलना चाहिए। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। यूनियन ने आरोप जड़ा कि केंद्र सरकार की खराब नीतियों से 15 लाख मजदूर नौकरी गंवा चुके हैं। सरकार को चाहिए कि उनके लिए फिर से रोजगार के साधन जुटाए जाएं। हड़ताल से प्रदेश भर में 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर हिमाचल में बिजली संशोधन विधेयक 2018 का विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में हमीरपुर, शिमला और पालमपुर में बिजली बोर्ड कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हमीरपुर में अणु से लेकर गांधी चौक तक निकली विरोध रैली की अगुवाई यूनियन प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने की। खरवाड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार विधेयक पारित करवाने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगाए। विधेयक के पारित होने से वितरण क्षेत्र में 1 से अधिक कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा। इससे धरना सेठों को फायदा होगा, जबकि बिजली कर्मियों के सेवा लाभों और पेंशन पर बुरा असर होगा। शीतकालीन सत्र में संसद में पेश करने जा रही है ये जो संशोधन विधेयक केंद्र सरकार पेश करने जा रही है, ये विधेयक प्रदेश के हितों के खिलाफ है, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। उधर शिमला के कुमार हाउस परिसर में कर्मियों ने धरना दिया। धरने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं पालमपुर के रोटरी भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनरों ने भाग लिया। इसके बाद धरना प्रदर्शन व रैली का भी आयोजन किया गया। स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लेता ना, अब तो बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में कंट्रोल होता, रुकते रुकते यहाँ रुकी है ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।
मंगलवार को कालका से शिमला जा रही ट्रेन हिमालयन क्वीन के इंजन में अचानक आग लग गई। इससे सैकड़ों यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान देश विदेश से सफर कर रहे यात्री अपने सामान सहित ट्रेन से उतर गए। ये घटनाक्रम धर्मपुर और बड़ोग रेलवे स्टेशन के बीच पट्टा के मोड़ पर पेश आया। यात्रा कर रहे कुछ युवकों और स्थानीय लोगों ने पानी की बोतलों और बाल्टियों से आग पर काबू पा लिया। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिर ट्रेन शिमला के लिए रवाना हुई। आग के असल कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं ऐन मौके पर अग्निशमन यंत्र के जवाब देने से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली और सुरक्षा के दावों की पोल खुलकर रह गई है। भले ही प्रदेश में पड़ रही बर्फ देश विदेश के सैलानियों को लुभा रही हो, लेकिन ये जानलेवा भी साबित होने लगी है। ताजा घटनाक्रम में बर्फ के चलते दो दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। पहला हादसा किन्नौर के स्पीलो में पेश आया। स्पीलो लावरंग संपर्क सड़क पर बर्फ से फिसलकर एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें तुलाराम अनिल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। एडीएम पू शिव मोहन ने बताया कि हादसे के पीड़ित परिवारों को फौरी राहत दे दी गई है। वहीं दूसरा हादसा नेरवा में हुआ। दैया रोड पर एक कार बर्फ से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में धारछड़ी निवासी 18 साल की तमन्ना पुत्री कृपा राम की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं। हिमाचल में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। केलांग, मनाली और कल्पा ठंड से पूरी तरह जाम हो गए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात कुफरी में हैं। यहां का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। मंगलवार को प्रदेश भर में बादल छाए रहे, इससे ऊंचाई व मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड रही। हालांकि इस बीच कई क्षेत्रों में हल्की धूप भी खिली रही, लेकिन प्रचंड ठंड पर इसका कोई असर न हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को प्रदेश के मैदानी ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम साफ रहेगा। धूप खिली रहने से लोगों को कुछ हद तक ठंड से राहत मिलेगी। और अब खेल समाचार। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम नादौन में चल रहे हिमाचल व केरल के मध्य रणजी मुकाबले के दौरान हिमाचली टीम पहली पारी में 297 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में केरल की टीम ने 5 विकेट पर 219 रन बना लिए हैं। मंगलवार को हिमाचल की टीम ने अपने पिछले स्कोर 7 विकेट पर 257 रन से आगे खेलना शुरू किया। हिमाचल ने 96.1 ओवर में 297 रन बनाए। हिमाचल की ओर से AR कलसी ने 202 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए। इसके अलावा ऋषि धवन ने 58, NR गंगटा व PP जसवाल ने 28-28, जबकि PS चोपड़ा तथा AR कुमार ने 23-23 रन का योगदान दिया। वहीं अंकुश बैंस ने 10 रन बनाए। केरल की ओर से नीतीश MD ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 24 ओवर में 88 रन देकर 6 विकेट झटके। बेसिल थम्पी व वारियर की झोली में 2-2 विकेट आए। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। मैं सारे प्रदेशवासियों को अपनी ओर से नया साल 2019 प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये पूरा वर्ष हिमाचल प्रदेश के लिए सुखी रहेगा, समृद्धशाली होगा, गौरवशाली होगा, वैभवशाली होगा और हर तरह की खुशियां यहां पर लेकर के आएगा। और सभी के जीवन के लिए एक सुख की कामना करते हुए मैं बहुत बधाई देता हूं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते टैट मेरिट पर JBT पद भरने का फैसला अब हाई कोर्ट की फुल बेंच करेगी। विधानसभा का बजट सत्र 4 से 27 फरवरी तक, फैसले के लिए राज्यपाल को भेजी जाएगी सिफारिश। हिमाचल में कुन्नू माल्टा संतरे का समर्थन मूल्य बढ़ा, 54 नए फल प्रापण केंद्र भी खुलेंगे। और कुल्लू के दोहरा नाला में पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ धर दबोचा तस्कर। और हिमाचली तड़का में आज सुनिए नाटी किंग कुलदीप शर्मा की आवाज में ये हिमाचली लोकगीत।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।